नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजीव गांधी को भ्रष्ट बताने पर टीचर्स भड़के, पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजीव गांधी को एक भ्रष्ट राजनेता कहे जाने की 200 से ज्यादा शिक्षकों ने निंदा की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्ट बताए जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 200 से ज्यादा शिक्षकों ने एक आलोचना पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिम पित्रोदा ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्ट बताए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी लड़ाई खत्म हो चुकी है, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद के बारे में खुद के भीतर की सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। बाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी को ट्विटर पर आलोचना की। शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया जिसने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। उन्होंने अमेठी की एक जनसभा में कहा कि जनता जवाब देगी जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी है। हाँ मोदी जी, यह देश धोखेबाज को कभी माफ नहीं करता। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।